हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। गाइस, हम लोग जुलाई मंथ में हैं और इस समय ऑलमोस्ट सभी जगह मॉनसून शुरू हो चुका है। कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ तो करीब एक महीने से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो आज का वीडियो गाइस बहुत ही स्पेशल है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम ऑलमोस्ट फ्री में बहुत सारे मनचाहे प्लांट्स जो हैं वो कटिंग के थ्रू अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने भी पिछले कुछ दिनों में अपने गार्डन में बहुत सारे नए नए प्लांट्स लगाए हैं कटिंग से। इसमें ये देखिए, ये मेरा एक्सोरा का प्लांट है, और मैंने इसमें क्रूटन की कई सारी वैरायटी लगाई है। ये वाला मेरा प्लांट जो है, ये मैंने कटिंग से तैयार किया है। तो जुलाई में मॉनसून में जब दो तीन बारिश हो जाती है, ऑलमोस्ट मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो जाता है और गर्मी कम होने लगती है, तो उस समय जो हम कटिंग लगाते हैं वो 99% सक्सेसफुल हमारी रहती हैं। तो बारिश, दो तीन बारिश होने के बाद ही कटिंग लगानी चाहिए। आज जो मैं कटिंग लगाने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास बोगनवेलिया की कटिंग है। इसमें बेबी पिंक कलर का फ्लावर आता है, ये डार्क पिंक कलर है इसमें, जो कि ऐसे बंचेस में भरे हुए फ्लावर्स इसमें आते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद था। हम लोग जब भी नर्सरी पर जाते हैं तो बोगनवेलिया जो कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। ये प्लांट भी नर्सरी पर 100 से ऊपर की ही रेट में हमें मिलते हैं, और बहुत पेनफुल होता है उस समय उसे खरीदना। तो ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम कटिंग से अपने मनचाहे पौधों को तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक्सोरा है। एक्सोरा में बहुत सारे कलर आते हैं, तो मेरे पास भी ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सोरा हैं, लेकिन जो भी मुझे अभी नया कलर मिलता है मैं ले आती हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं, इसमें डार्क रेड कलर है इसका। और ये मेरे पास एलमेंडा की कटिंग है, एलमेंडा पिंक कलर। और एक मेरे पास ये हिबिस्कस की कटिंग है। इसके अलावा चंपा है, और दूसरे जो प्लांट्स हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आप प्लांट लगाना चाहें, 99% प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और ये एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए मेरे जूही की जो बेल होती है उसको भी मैंने यहाँ कटिंग से तैयार किया है। और ये क्रोटन की वेराइटी है। कनेर के जो तीनों कलर होते हैं, वाइट, पिंक और डार्क पिंक कलर, वो भी मैंने कटिंग से आज यहाँ अपने इस ग्रो बैग में लगाए हैं। तो गाइस, ये जो कटिंग्स हैं हमारी, ये मैंने इस तरह से छोटी कटिंग हमें लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। और कोशिश करनी है कि बहुत मोटे भी तने ना हो, इस तरह की पतली कटिंग लेनी है। ये देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी भी कटिंग है वो पतली हैं। वो इसलिए क्योंकि पतले जो तने रहते हैं, जो ब्रांचेज होती हैं, वो जल्दी स्प्राउट हो जाती हैं, बहुत जल्दी उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। कंपैरेटिवली अगर हम मोटी ब्रांचेज लेते हैं तो हमें पतली और छोटी ब्रांचेज लेनी है उसको ग्रो करने के लिए। तो यहाँ देखिए, मेरे पास मिट्टी भी तैयार है। इस मेरी मिट्टी में मैंने गोबर की खाद और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। अभी बारिश का समय है, इसीलिए पहले मिट्टी जो है वो ऑलरेडी गीली हो चुकी है। ये मैंने एक मग में पानी लिया है जिसमें फंगीसाइड को मैंने मिक्स किया हुआ है। इस पानी में मैं लेकर के ये डुबा करके और कटिंग यहाँ लगा दूँगी। मेरे पास कटिंग ज़्यादा है और पोट कम है, तो अभी फ़िलहाल मैं एक पोट में दो कटिंग लगाऊंगी। गाइस, छोटी कटिंग लगाने से क्या होता है कि पौधा जो है वो आपका हवा में बहुत ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, स्टेबल रहता है, और रूट डेवलपमेंट में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो गाइस, ये देखिए, ये मेरे कटिंग्स जो हैं वो लग चुकी हैं।
और ये एक लास्ट कटिंग है, इसको भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। और ये जो फंगीसाइड मिक्स किया हुआ पानी है, इसी को इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि पहले से ही मिट्टी गीली है। तो इसको ये रूट डेवलप होने में इसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद ये रूट डेवलप हो जाएंगे, और जब इसमें नई लीव्स आना शुरू होंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है गाइस तो आप इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।